ओ भाई ये कहाँ चढ़ा दी है गाड़ी, आज की स्पेशल गाड़ी है 5 डोर गुरखा गाइस। आई थिंक 4-5 पीस ही है इंडिया में। किस किस को लग रहा है कि एक बार में जिससे चल जाएगी? गाड़ी आगे से थोड़ी इधर उधर हो जाना, सीधे वहां जाके रोल होगी। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो चैनल को और जल्दी से हमारे 6 लाख सब्सक्राइबर करवा दो ताकि हम अपनी नई कार ले सके और उसके साथ एक लंबी रोड ट्रिप पे जा सके। एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई गाड़ी सही, मैं सीधा व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। टाइम लगभग 10 बज रहे हैं, संडे है जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो ऑफ रोड के कुछ सीन्स हैं, तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं क्योंकि 10:15 का सबको 10:30 का टाइम दिया हुआ, लोकेशन पे पहुंचते हैं और उसके बाद के जो भी सीन्स हैं वो आपको दिखाते हैं। तो लेट्स गो। तो गाइस आज हमारे साथ जाने वाले हैं चंदन भाई, ये देखो ये आ रहे हैं, तो इनको भी हम साथ में लेके जा रहे हैं। सुबह सुबह जल्दी बाजारों को जगाया है। कैसा लगता है आधे घंटे में तैयार हो गए? तगड़ा। खाना खाया नहीं? नहीं कोई नहीं, खाना खिलाते हैं तो ही ना। चलो ये जो गाड़ी आपको दिख रही है ये है मुतय्यब भाई की, तो ये भी हमें साथ में आज ज्वाइन करने वाले हैं। तो चलिए और भी देखते हैं कौन कौन ज्वाइन करने वाला है और क्या सीन है, तो फिलहाल फटाफट लोकेशन पे ही पहुंचते हैं और आज काफी जल्दी। चंदन भाई जब से बैठे यही कह रहे हैं कोई जल्दी नहीं है आज ऑफ रोड। मैंने कहा यही होता है अभी, क्या बस सूरज निकलेगा तो ये सारी धुंध झड़ जाएगी। वैसे मेरे को ना खुद को ही फील हो रहा है कि आज जल्दी है। तो चलो देखते हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं मीटअप वाली लोकेशन पे। आज की स्पेशल गाड़ी है 5 डोर गुरखा गाइस, 5 डोर गुरखा, और पीछे तो मुतय्यब भाई की गाड़ी है कि तो अभी कोई आया नहीं है, तो चलिए इनसे मिलते हैं। तो जी ये है अनिल भैया, क्या हाल चाल है? कितना ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा? नहीं 10-15 मिनट। क्या हाल चाल है जी? ठीक हो? चलो जी बढ़िया। यहाँ पे मुतय्यब भाई, हाँ जी क्या हाल चाल? ये वैसे हमारे नेबर ही है लेकिन आज हम पहली बार मिल रहे हैं और पहला ऑफ रोड। चलो जी, तो गाइस फिलहाल क्या है कि जब तक सब लोग आते हैं हमने सोचा क्यों ना एक इतनी मतलब क्या बोलेंगे रेयर एंड यूनिक गाड़ी है तो इसका रिव्यू ही कर दें। और बाकी ये भैया का भी चैनल है AK राजपूत JNK, काफी ट्रैवल वगैरह ये करते रहते हैं, तो जाके जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब आ जाती है इस गाड़ी की बात, तो मतलब मैं सच बात बताऊं ना यार, मैं बड़ा सरप्राइज हुआ। मैंने भैया का मेरे को जब मैसेज आया तो मैंने गाड़ी देखी, मैंने कहा यार है तो गुरखा ही है लेकिन 5 डोर गुरखा। और फिर मैंने इन्हीं से पूछा, मैंने कहा 5 डोर गुरखा आती भी है, कितनी बनी होगी ये? ये आई थिंक 4-5 पीस ही है इंडिया में। अच्छा हाँ, केरला में 2-3 पीस है, एक दो आसाम साइड है, गुवाहाटी साइड, और ये मैंने लाई थी जोधपुर डीलरशिप से। ठीक है, तो अभी मैंने JNK में ट्रांसफर करवा दी, पहले RJ19 था नंबर इसका। अच्छा अच्छा, तो ये है मतलब सब सिर्फ ये 5 डोर है, बाकी इसका सारा गुरखा वाला ही है, 4x4 वो सब कुछ है ना, डिफलॉक वगैरह? हाँ डिफलॉक भी सेम दोनों सब। चलो जी क्या बात है। और बाकी अगर हम इसमें मॉडिफिकेशन की बात करें तो मेरे को लग रहा है रिम और टायर्स है, 16 इंच का ऑफ रोड रिम दिख रहा है, मैक्सिस के आपको टायर दिख रहे हैं, तो ये चीज आप देख सकते हो कि मतलब लुक्स में ना सिर्फ टायर से ही गाड़ी कितनी अलग दिखती है। और मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, मैंने कहा यार जम्मू में गुरखा थी और वो भी इतनी रेयर, और भैया अभी आ रहे हैं हमारे पास, हमने छुपा के रखी हुई। अच्छा, और बाकी इधर देखो भैया ने ना मर्सिडीज का लोगो भी करवा रखा है, और इनका भी इंस्टाग्राम पेज है और यूट्यूब भी है, हाँ द एक्सप्लोरर फ्रॉम JNK, तो ये भी जाके जरूर चेक कीजिएगा। 2018 मॉडल है क्योंकि जो लेटेस्ट वाला है उसका बंपर का डिजाइन थोड़ा सा अलग है, सारा चेंज कर दिया। हाँ हाँ हाँ, तो ये है। बाकी आप इसकी लाइट वाइट देख सकते हो, स्नॉर्कल क्या है कि इसमें भी आपको मिलता ही था, यही है। बाकी आप देख सकते हो पूरी ऑफ रोड प्रेप गाड़ी है, जैसे इसमें आपको टोइंग हुक है वो साथ में मिल जाता है। तो बाकी ये रही, अच्छा पीछे इसकी सीट्स भी, पर मेरे को लग रहा है यहाँ पे एक एक सीट है पर दो भी लग सकती है, दो लग सकती है, है ना, क्योंकि ये देखो यहाँ पे भी स्पेस खाली है और वहाँ पे इन्होंने ये म्यूजिक का भी रख रखा है, और ठीक है ठीक है, लेकिन ये है कि काफी खुली भी है और हाइट मतलब काफी ऊपर, मतलब देखने से ही मेरे को लग रही है। अगर हम फ्रंट की बात कर ले, डिफलॉक ये देखिए, सबसे मेन चीज जो है वो गुरखा के डिफलॉक ही है, तो दोनों डिफलॉक आपको मिल जाते हैं। इसका जो प्रॉपर हम वो देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस है ना, बिल्कुल बिल्कुल, जलवे दिखाने वाले हो? जलवे फुल दिखाएंगे। चलो जी, बाकी ये था, मैंने कहा जितनी देर में सब लोग आते हैं क्यों ना आपको इसका एक क्विक रिव्यू दे दिया जाए, और बाकी ऑफ रोड पे जो ये करेगी आज वो तो आप सब देखेंगे ही। फिलहाल क्या है कि रमन भैया भी आ चुके हैं, द एंग्री यंग मैन फ्रॉम पुंछ। आप मेरे को बताओ आपका क्या प्रॉब्लम, क्या है, क्या हो गया, आप किधर गायब रहते हो भाई? यहाँ पे ही होते हैं, आप ही नहीं मिलते भाई, कभी सुंदरबनी, कभी राजस्थान, कभी अलवर, और कुछ, आजकल तो बड़े लोगों से आपके बैठना होता है। नहीं तो बाकी वो बच्चा मनप्रीत भैया वहाँ गए हुए हैं, वो आ गए हुए हैं मगर वो थोड़े से बीमार है तो इसलिए हमने उनको रेस्ट करवाया। ईशान भाई आ रहे हैं, वो गगन भैया, और इधर देखिए जी हमारे खिलर भाई साहब, भाई क्या हाल है, ठीक हो? लेट ना कर दिए आप, मैं बोलता सबसे पहले बोलना सबसे लेट में ही है। चलो कोई नहीं कोई नहीं, तो फिलहाल क्या है कि सारी गाड़ियां आ चुकी हैं,
तो आज के लाइनअप में है 1, 2, 3, 4, 5 गाड़ियां। और जैसे कल मैंने ना एक पोल डाला था जिसमें मैंने कहा था कि मैं जिप्सी लेके जाऊं जा इसूजू, तो क्या है कि जिप्सी जब से हमने रिस्टोर करवाई है उसके बाद टेस्ट नहीं करी, तो अभी हम जाएंगे BYC, वहां से मैं अपनी जिप्सी पकड़ूंगा और फिर जिप्सी लेके जो भी आज एक नया सा ट्रैक हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। और गाड़ियां कम ही रहने वाली हैं बिकॉज ज्यादा लोग मैनेज नहीं हो पाते, तो कम लोग रहते हैं तो सही रहता है जी। फिलहाल हम आ चुके हैं अनिल भैया की गुरखा में। तो बेसिकली क्या सीन है कि मैंने अपनी गाड़ी जो है वो यहीं पे पार्क कर दी है और अभी जा रहे हैं हम BYC। इतनी देर में सब लोग पहुंचेंगे, मैं अपनी जिप्सी लेके वहां से आ जाऊंगा। तो फिलहाल के यही प्लान्स हैं, तो चलिए आज खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग होने वाली है। कोशिश तो पूरी है, बाकी गुरखा मतलब सबसे मेन जो आज की गाड़ी है ना वो यही गाड़ी है, 5-door गुरखा। जम्मू में तो हमने क्योंकि जो मेरे एक ही है ना, हाँ, और जो मेरे चैनल पे आज तक गुरखा एक ही आई है और वो है दिनेश भैया की, उसके बाद ये गुरखा आ रही है। तो लेट्स सी कि हमारे इस टर्न पे कैसा परफॉर्म करती है, थार कैसा परफॉर्म करती है और जो भी सीन है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, मैं और चंदन भाई पीछे बैठे यही बात कर रहे हैं। चंदन भाई स्पेस कितनी है इस गाड़ी में? मतलब यार इतनी स्पेशियस गाड़ी है ना, तो अनिल भैया तो कह रहे हैं कि हम तो 5-5 लोग क्या इसके बीच भी सो जाते हैं कभी कभार। मतलब आप पीछे भी देखो स्पेस इतना है, मतलब कैंपिंग के लिए ये प्रॉपर गाड़ी बन सकती है जो मुझे लग रहा है। एक तो क्या है कि रफ एंड टफ है। मुझे बताओ मेंटेनेंस का क्या सीन है इसका? मेंटेनेंस भाई पहले मैं बाहर से करवाता था सारा काम, ठीक है, मैक्सिमम पठानकोट से, ठीक है, अभी यहाँ पे आ गया है तो अभी मैं यहीं से करवा रहा हूँ। नहीं तो मतलब जैसे खर्चा पार्ट्स वगैरह महंगे हैं, कितने महंगे? सस्ते। अच्छा, तो ये महंगे नहीं। देखो क्योंकि जब भी कोई गाड़ी ऑफ रोड के लिए ली जाए ना तो उसका मेन पॉइंट यही रहता है कि उसका कॉस्ट कितना है पार्ट्स का, क्योंकि ऑफ रोड का मतलब ही है गाड़ी टूटेगी, तो अगर महंगा है सब कुछ तो फिर कैसे बनेगी बात। तो देखिए डॉग जो है यहाँ आ गए हैं, तो ये रही हमारी जिप्सी, तो चलिए इसे भी निकालते हैं। अब इसके मुझे पता नहीं कि इसमें पेट्रोल कितना ही है, काफी दिनों बाद आज चलने वाली है ये। और मौसम तो यार ये हट ही नहीं रहा, 11 बज गए, स्टार्टिंग देख रहे हो आप। तो गाइस निकल तो रहे हैं ऑफ रोड के लिए, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि कितना टाइम हो गया। चलो टाइम क्या हुआ? 11:15 हो चुके हैं, धुंध छटनी रही है, कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, और पीछे अपनी गुरखा भी आ रही है मस्त एकदम। और अभी क्या है कि लिफ्ट किट लगी है इसमें, तो ये जंप बहुत ज्यादा ले रही है। तो क्या है कि जब से ये लगा रखी है ना तो इसमें जो पेट्रोल का आइडिया नहीं है, तो इसलिए पेट्रोल भी रिफिल करवा ही लेते हैं ताकि बीच में दिक्कत ना हो। तो लाइनअप की गाड़ियाँ आ चुकी हैं, जिप्सी, गुरखा, थार एंड थार। और ये थार वाले, हाँ जी, उसको मिल लाया अनुरुद को, वो यार देखते गया लास्ट डे ना। अच्छा, उसको लाना था, उसके बिना मजा नहीं आता है। पर चलिए चलो, जब बैकयार्ड कस्टमर के साथ मेरा पहला ऑफ रोड था तब मैं गया था, उसके बाद मैं यहाँ नहीं गया। तो अब देखते हैं ये कौन सा रास्ता है, मैं ही लीड कर रहा हूँ, बस कहीं पहुँच जाए रास्ते पे, कहीं और ही ना निकल जाए। तो आज ना मेरा मेमोरी टेस्ट होने वाला है, बिकॉज जब मैं उस टाइम आया था तो मेरे को क्लियरली याद नहीं है, लेकिन हाँ अब मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि हाँ यही रास्ता था, ऐसा ही था। तो देखते हैं मेरी मेमोरी हमें कहीं पहुंचाती है कि हम सबको फंसाती है। कि ये लोकेशन पे हम पहुंच चुके हैं, ठीक है, कुछ इस तरह सा ऑफ ट्रैक सा है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि जिप्सी को एक बारी पहले नीचे उतारेंगे एक जगह से, देन ऊपर चढ़ाएंगे, फिर सब क्या है कि बारी बारी वो जो ऑब्स्टेकल है वो करेंगे, उसी का जो है हम वो वेट कर रहे हैं। लेट्स सी कैसा परफॉर्म करती है, क्या करती है। सबसे पहले यही आ रहे हैं, कह रहे हैं ऊपर यहाँ से, तो लेट्स सी। क्योंकि इस साइड भी जगह नहीं ना है, तो मैं जिप्सी लाता हूँ 10 रुको। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या पता है, हमारे पास टो स्टार नहीं ना है, अगर यहाँ पे गाड़ी अटके खींचे कैसे भाई। किस किस को लग रहा है कि एक बार में जिप्सी चढ़ जाएगी? पहले सबने कहा कि एक बार में चढ़ नहीं सकती, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार में नहीं चढ़ेगी। चलो चढ़ गई, लेकिन अब चक्कर ये है ना, यहाँ आगे मोड़ने की जगह नहीं है, वही चक्कर। यहाँ से अगर गुट्ठा भी चढ़ाए ना, नहीं तो वो वाली जगह ना जो बहुत ज्यादा अच्छी है, क्या है कि ये वाली जगह है जो ये रमन भाई कह रहे हैं कि ईशान भाई कह रहे हैं कि मैं ये चढ़ाऊंगा, मैंने अपनी जिप्सी वहीं रख दी है। क्या बात है, गुरखा की जगह।
तो जी गुरखा की भी परफॉर्मेंस आपने देख ली, थार की भी देख ली, अब कोई ऐसा ऑब्स्टेकल हो ना जहाँ थोड़ी सी स्ट्रगल भी बने तो टेस्टिंग का पता चलेगा ना। फोर बाय टू में चढ़ेगी क्या? फोर बाय टू सही है, फिर तो ये ऑब्स्टेकल हमारा फेल हो गया बिल्कुल ही। और फोर बाय टू में भी ऐसे चढ़ रही है तो चलिए अब जिप्सी को भी ले ही आते हैं। यहाँ से ये ऊपर लाने के लिए कह रहे हैं और ठंड तो आज इतनी ज्यादा है ना। हो ये देख सकते हैं, ये टफ है। तो ये काफी रिस्की सा लग रही है अपने को काम, नहीं तो मैं पता है क्या था पहले एक बार यहाँ से गाड़ी नीचे उतारते ना। हाँ फिर वो बन जाता, ये भी है। नहीं चलेगी, रिस्क है।